हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खास क्या होने वाला है, क्या सीखेंगे हम, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देता हूँ, यहीं पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं इंडेक्स फॉर्मूला। तो ये देखिए इंडेक्स फॉर्मूले में कुछ खास क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एरे, तो एरे में ये पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट क्या नहीं सेलेक्ट करना है आपको, केवल टाइटल छोड़ दीजिए और बाकी सब ये नेम सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कुछ लोगों के नाम है जो साधारण लोग है या कुछ लोग वीवीआईपी लोग है, तो दोनों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉमा देते हैं, इसके बाद क्या है रो नंबर। तो मान लीजिए कि रो नंबर 5 से हमें पिकअप करना है, ठीक है, 5 से पिकअप करना है, 6 से, जिससे भी पिकअप करना है कर लीजिए आप, 8 से मान लीजिए करना है, कॉमा देंगे। अब कह रहा है कॉलम नंबर किसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए कॉलम नंबर काउंट कहां से होगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन में तो यही डेटा ले रखा है बी और सी, ठीक है, तो कॉलम नंबर यहीं से काउंट होगा, तो हमको 2 से लेना है, ठीक है। 2 दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है, और क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए यहां पर आ गया नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र आ गया, जो नाम स्पेलिंग में लिखा हुआ है वही आएगा। अब तो इसमें देखिए इसमें कहीं लिखा होगा, तो ये देखिए ये रहा, तो इसको हम स्पेलिंग एक बार सही कर देते हैं, यहां पर भी सही हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी।